सपने में किसी साधु या संत को देखना एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है, जो कि जीवन में आने वाली अपार सफलताओं की ओर ही संकेत करता है। लेकिन कभी कभी सपना कुछ बातों के लिए चेतावनी देने का भी काम करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में किसी साधु संत से आशीर्वाद लेते हुए देखता है या किसी साधु संत के पैर छूते हुए देखता है, तो यह सपना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और जीवन में अचानक से ही भाग्य उदय होने की ओर ही संकेत करता है। और ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता है वह उसमें अवश्य ही सफल हो जाता है। और अगर कोई सपने में किसी साधु संत को किसी भी तरह की चीजें दान करते हुए देखता है, तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और जीवन में तरक्की के लिए मिलने वाले नए अवसरों की ओर ही संकेत करता है। अगर कोई सपने में किसी साधु संत को भोजन कराते हुए या खाना देते हुए देखता है, तो यह सपना जीवन में चारों ओर से मिलने वाली बड़ी सफलताओं की ओर ही संकेत करता है। और अगर कोई सपने में किसी साधु या संत को काफी नाराज या गुस्सा करते हुए देखता है, तो यह सपना इस बात की चेतावनी देता है कि आपको अपने निगेटिव सोच विचार को जल्द से जल्द ही सुधार लेने की जरूरत है, वरना आपको किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कोई सपने में किसी साधु या संत से बातें करते हुए देखता है, तो यह सपना जल्द ही आपको मिलने वाली किसी बड़ी खुशखबरी की ओर ही संकेत करता है। और अगर कोई सपने में किसी साधु या संत से लड़ते झगड़ते हुए देखता है, तो यह सपना आपके अंदर पनप रही गलत धारणाओं और आदतों को जल्द से जल्द छोड़ देने की ही चेतावनी देता है। तभी आप जीवन में अपने मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। अगर कोई सपने में एक साथ बहुत सारे साधु संतों को देखता है, तो यह सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के साथ ही साथ जीवन में बहुत सी सफलताओं के मिलने की ओर भी संकेत करता है। और अगर कोई सपने में किसी साधु संत को बीमार या कमजोर या मरा हुआ देखता है, तो यह सपना आपको अपने दिल की मानकर चलने की चेतावनी देता है, वरना आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आपने कल्पना की है। और अगर कोई सपने में किसी साधु या संत को अपने घर पर ही आया हुआ देखता है, तो यह सपना आपके घर परिवार में जल्द ही किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने की ओर ही संकेत करता है। साथ ही यह सपना किसी बड़ी मनोकामना के भी जल्द ही पूरा होने की ओर संकेत करता है। और सपने में साधु से कुछ लेना या सपने में साधु को कुछ देना भी एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है, जो कि अच्छे भाग्य का ही प्रतीक माना जाता है और जीवन में मिलने वाली कामयाबी की ओर ही इशारा करता है।